नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे डायनासोर्स के बारे में जिन्हें देखकर आप खुद को खुश नसीब समझोगे कि आपका जन्म उस टाइम पर नहीं हुआ। तो उस टाइम पर पहुंचने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बिना देरी के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडेफोसोरस, इसे 19वीं सेंचुरी के पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक ने नॉर्थ अमेरिका में खोजा, जिसके जीवाश्म लगभग 300 साल पुराने थे और इसी के लगभग समान एक स्लो वैली में भी खोजा गया। यह आपके गार्डन में घूमने वाली कोई आम छिपकली नहीं है, क्योंकि यह 3 से 11 फीट लंबी होती है और इसका वजन 300 किलो से भी ज़्यादा होता है। इसका सिर काफ़ी छोटा और बाकी शरीर काफ़ी बड़ा होता है। पेलियोसोरस, पानी में रहने वाला यह जानवर छोटे गर्दन, बड़े सिर और लंबे पंख वाला था, जिसकी खोज 19वीं सेंचुरी में की गई थी। इसकी लंबाई करीब 40 फीट की थी। इसी के एक ही बाइट से किसी भी जानवर के 2 बाइट हो सकते थे। ये नॉर्मल जानवरों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। गोर्गोनोपस, इसका नाम ग्रीक के गोर्ग शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है भयानक। ये जानवर आज के शार्क मछली के वजन का होता था। वैज्ञानिकों का माने तो ये गर्म खून वाला जानवर था, जिसका मतलब इसके शरीर पर बाल होते थे। बाकी लेजर्स की तरह बिना बाल का नहीं था ये। इसके खोज में पता चला कि इसके दांत बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, जिससे ये पता चलता है कि ये शिकार करने में काफ़ी खतरनाक था। नॉर्थोसोरस, इस जानवर के पंख नहीं होते, पैर होते हैं, जिससे ये पानी से पार आकर चल फिर सकते हैं। ये पानी में रहकर शिकार करते हैं और पानी से बाहर आकर आराम करते हैं। आज तक वैज्ञानिक भी इनका पता नहीं लगा पाए कि इनके बच्चे अंडे से होते हैं या फिर इंसानों की तरह बिना अंडे से। सेस्टोसोरस, ये समुद्र का सबसे बड़ा जानवर था, जो कि कभी हकीकत में था। ये 20,000 करोड़ साल पहले था। इसका वजन करीब 7,000 किलोग्राम का था। अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो यह 7 मंजिला इमारत के करीब था। ये बड़े जानवरों को नहीं बल्कि छोटे मछलियों और छोटे जानवरों को खाता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए।